एक तो फ्री, ऊपर से सिर्फ 60%, इतनी बड़ी ऑफर में जी, इतनी बड़ी ऑफर पाकिस्तान में कोई और यूनिवर्सिटी नहीं दे रही। लड़कियों से क्या चाहते हो मुझे ये? हम चाहते हैं एक दिन के लिए वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए, तो कोशिश करूंगा जो इस मुल्क में नौजवान बेरोजगार फिर रहे हैं उनको आपको अंदर कर देना। हाँ, अंदर कर देना, जो बाकी बचेंगे उनको काम पे लगा देना। शौक होता है? हाँ, पालना पड़ता है। कुत्ता है, कुत्ता है, कुत्ता है। बच्ची रखना मतलब कुत्ता शौक है, कुत्ता शौक है। बच्ची रखना मतलब हाँ। उसने कहा मक्खन खराब नहीं होता, मक्खियाँ खराब करती हैं, बच्चा खराब नहीं होता, सोनी सोनी बच्चियाँ खराब करती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, तो नाज़रीन जैसा कि आप जानते हैं मैं मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ़न टाइम विद उमैर ख़ान। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और फ़नी वीडियो है। आज हम यहाँ की जो अवाम है उससे सवाल पूछेंगे। आज 6 सितंबर का दिन है, तो यहाँ यौम दिफा मनाया जाता है, तो यौम दिफा क्यों मनाया जाता है, आज के दिन क्या हुआ था? यहाँ की जो अवाम है हमारे साथ मौजूद है, जो यहाँ के स्टूडेंट हैं उनसे भी हम बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये दिन क्यों मनाया जाता है हर साल 6 सितंबर को। और इसके अलावा कॉमन सेंस का एक सवाल भी पूछेंगे, और बाकी हंसी मजाक फनी जो वीडियो हो मतलब जैसे हम बनाते हैं वो बनाएंगे। हमारे साथ रहेगा, तो आइए चलते हैं यहाँ के आवाम के पास। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या नाम है? इंजीनियर तनवीर अहमद। इंजीनियर तनवीर अहमद, किस बारे में आपने? मैंने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की। अच्छा, इंजीनियरिंग की हुई। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँ। चलो भाई देखो, अब मैं क्या करता हूं। चाहूंगा व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर जो है ना, एग्रीकल्चर हो रहा है, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग हो रहा है। आप मुझे बताएं व्हाट इज़ एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर जो है ना, हमारे जो हमारे खेतों का निज़ाम हो गया, जैसे ज़मीन हो गई, फसलें हो गई, ये इंजीनियर साहब आप कवर ना करें मुझे डेफिनेशन। एग्रीकल्चर इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील द स्टडी ऑफ प्लांट्स, सोयल एंड इट्स मैकेनिज्म। कवर कर जैसे वो कहते हैं कि आखिर में आपने कहना इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की जो डेफिनेशन है वो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। चलो आपने मतलब कुछ ना कुछ चलो सुना दिया है, वैसे मुझे आता तो नहीं था, पता नहीं क्या कहा है आपने, तो सारे चीज़ों को एक लफ्ज में इन्होंने बयान कर दिया है। मैं कैसे पूछना चाह रहा था, डेफिनेशन आप कह रहे हैं, डेफिनेशन में तो आपने मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आ जाती है, कवर किया है, मुझे पता लग गया। अच्छा, आप मतलब जैसा कि आपको बताया कि आज 6 सितंबर का दिन है, तो आप मुझे बताएं 6 सितंबर को यौम दिफा मतलब हम मनाते हैं पाकिस्तान वाले, आज भी मनाया जा रहा है, क्या है ये, क्यों मनाया? मैं नहीं बताऊंगा। जो 6 सितंबर को जो इंडिया की तरफ से हमला किया गया था सियालकोट की तरफ से, सियालकोट वाली जगह से, तो वहाँ पे जो हमारे सियालकोट के पाकिस्तानी थे उन्होंने टैंक के नीचे आके अपना पाकिस्तान का दिफा किया था, तो उसी लिहाज से हम बनाते हैं कि पाकिस्तान को इस दिन हमने बचाया था, जो हमें दिफा मनाते हैं। क्या बात है, चलो आपने इन्फॉर्मेशन दी है, अल्लाह करे अच्छी हो। तो इसके अलावा मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आपने मुझे बताना है कि अगर एक दिन के लिए आपको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया जाए आप क्या करेंगे? कुछ भी। अगर एक दिन का मुझे वज़ीर आज़म बना दिया जाए, हाँ, तो मैं क्या करूँगा? हाँ, यूनिवर्सिटी की सारी लड़कियाँ आ गया। मैं ये करना चाहूँगा कि जितने भी हमारे एग्रीकल्चर मतलब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग के जो जितने भी स्टूडेंट हैं वहाँ, उनके लिए मैं ये करूँगा कि यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी में गर्ल्स को फ्री कर दूँ। एक एक बच्ची उनके लिए नहीं, नहीं गर्ल्स, क्योंकि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट गर्ल्स नहीं आती। तो मैं ये करूँगा कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में इंजीनियरिंग करा रही हैं, मैं उनको फ्री कर दूंगा गर्ल्स को। वैसे ये कॉमनली बात सुनने को मिलती है कि इंजीनियर हमेशा रोते रहते हैं, उनके पास बच्चियाँ ही नहीं होती, ये क्या क्या यार, ये अब क्या कहें, बच्चियाँ इंजीनियरिंग में क्यों नहीं जाती है? यार अब बता, जितनी देख रहे हैं सुन, अल्लाह की बंदी हो इंजीनियरिंग में भी जाया करो, वहाँ भी लड़के होते हैं, सिर्फ बी एस में डॉक्टर में नहीं होते। बिल्कुल यार, कोई कोई तो है बेचारों के, बगैर बच्चियों के 4 साल गुजार लिए, पता नहीं कैसे गुजार लिए इसने। अच्छा, आप उन सब बच्चों का एक एक बच्ची फ्री कर देंगे? मैं क्या मतलब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ना फ्री कर दूंगा हर यूनिवर्सिटीज में। हाँ। हमारे बजे की बात, उनको की बात मैं आपको ये बताऊं कि डिपार्टमेंट और ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में ना ये काम ऑलरेडी हो चुका है। हमारे वाइस चांसलर साहब की तरफ से ये अनाउंस किया गया कि जितने भी स्टूडेंट गर्ल्स हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, उनकी फ्री फीस बिल्कुल फ्री है। समझ रहे हो आप? इसके अलावा वो काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि हमारे बॉयज़ के लिए क्या किया है, तो उन्होंने बॉयज़ के लिए ये किया है कि जितने हमारे हाफिज़ कुरान हैं, हाफिज़ कुरान स्टूडेंट्स लड़के हैं, उनके लिए इंजीनियरिंग में बिल्कुल फ्री है। मैंने वहाँ से सोचा है कि क्यों ना कि एक यूनिवर्सिटी की जगह हम पूरे पाकिस्तान में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं फ्री करें। सब में फ्री कर दें, बिल्कुल अच्छा सोचा है। क्या सुनाएँगे आप हमें?
मैं आपको एक सराय की कहते हैं कि डोड़ा सुनाऊंगा ख्वाजा अपनी यूनिवर्सिटी के लिहाज से। यूनिवर्सिटी ख्वाजा फरीद विच, यूनिवर्सिटी ख्वाजा फरीद विच पीएचडी डॉक्टर है ना तू दाखला घन। क्या बात, इत्थां डिजिटल लैब दे विच बहु चंगा पढ़ेंदे हैं तू दाखला घन। इत्थां डिजिटल लैब दे विच बहु चंगा पढ़ेंदे हैं तू दाखला घन। तेरी डिग्री तू ए लोक सभे, तेरी डिग्री तू लोक सभे थी हैरान वेसन तू दाखला घन। ए यूनिवर्सिटी तनवीर अधूरी है हिक तेरे बिन तू दाखला घन। दाखला घन, क्या बात है यार, वेल डन। इंशाल्लाह देखने वाले ज़रूर, लड़कियां जितनी सुन रही हैं आपने लाजमी एडमिशन लेना और आपको तो फ्री मिल रहा है, आप तो आज से कपड़े बांध लो चली जाओ जाओ वहाँ पे। अच्छा, इसके लिए कि हम फ्री आना चाह रहे हैं तो गर्ल्स के लिए ये है कि 60% नॉन मेडिकल, एक तो फ्री ऊपर से सिर्फ 60%। इतनी बड़ी ऑफर में, जी इतनी बड़ी ऑफर पाकिस्तान में कोई और यूनिवर्सिटी नहीं दे रही। लड़कियों से क्या चाहते हो मुझे ये बड़ा हरामी हो। चाहते हैं पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से ये लड़की से ये चाहते हैं इस फील्ड में भी आओ। हाँ समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। एक तो फ्री ऊपर से 60%, क्या बात है। तो अल्लाह ताला यूनिवर्सिटी आपकी यूनिवर्सिटी को मजीद तरक्की दें, गर्ल्स भी आना शुरू हो जाएं। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? इश्तियाक हुसैन। क्या? इश्तियाक हुसैन। इश्तियाक हुसैन, इश्तियाक हुसैन क्या करते हैं? मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? अच्छा, मेरा ना आपसे एक सवाल है, आपने मुझे मतलब वो बताना है। सवाल ये कि आज आपको पता है 6 सितंबर है। जी जी। 6 सितंबर को यौम दिफा का दिन मनाया जाता है, क्या हुआ था यौम दिफा को, क्या कहते हैं, क्यों मनाया जाता है? चलो भाई देखो अपने क्या करता है। यौम दिफा को इस दिन रुको जरा सबर इस दिन ओ ए ए यही मनाया। हाँ म्यूजिक ये भी मनाया जाता है, लेकिन ये डिफेंस डे है और 1971 में ये 6 सितंबर को जंग हुई थी। मत करो रेन लो बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। सॉरी 1965 में 6 सितंबर को जो जंग हुई थी उसके हवाले से ये मशहूर है। इस हवाले से? जी जी। इतनी डिटेल आपने सही नहीं दी। अच्छा, कोई बात नहीं, मैंने स्टडी नहीं किया इसको। चलो मैं एक और सवाल पूछता हूँ मैं आपसे, अगर आपको एक दिन के लिए वजीर आजम बना दिया जाए तो आप क्या करें? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक दिन के लिए वजीर आजम बना दिया जाए तो कोशिश करूँगा जो इस मुल्क में नौजवान बेरोजगार फिर रहे हैं उनको आपको अंदर कर देना। हाँ अंदर कर देना, जो बाकी बचेंगे उनको काम पे लगा देना। खत्म। जो फ्री फिर रहे हैं उनको अंदर। हाँ जी, बाकी हैं उनको आपने वो। हाँ वो जो बाकी लगे हुए हैं उनको काम पर रहने देना है। जो फ्री फिर रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, भाई का पैगाम सुन लिया आपने, अगर इसको मौका मिला तो आपकी खैर नहीं है, इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने कारोबार इस भाई की तरह शुरू कर दें। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, अल्लाह आपको खुश रखे और कामयाब भी करे। क्या सुनाएंगे आप, क्या शेयर कर? नहीं ऐसा तो सॉन्ग नहीं, सॉन्ग नहीं सुनते हैं सिर्फ। हाँ शेर आता है, शेर इकबाल का शेर है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता रहे तेरी रजा के, तेरी रजा के। मुझे लगता है ये पहली जमात में पढ़ा था और अभी तक याद है। हाँ ऐसी है शेर। हाँ जो बचपन में जो चीज़ें पढ़ी होती हैं वो याद रहती हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। सलाम। क्या नाम? तौकीर अहमद। तौकीर अहमद, क्या करते हैं? मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया हुआ है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया हुआ? जी। फिलहाल कोई जॉब लगी है? कोई नहीं, फ्री फ्री। प्यारी समझ गई। अच्छा ये पहले आपके भाई से इंटरव्यू लिया था तनवीर अहमद से, आप हो गए तौकीर अहमद, वो बेचारा बड़ा रो रहा था कि एग्री कह रहा हूँ, उन्होंने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग में बच्चियाँ नहीं हैं, आपने कितनी पढ़ाई? कोई भी नहीं। ये फंस गया सी है। इंजीनियरिंग सारे फ्री में। हाँ आपको फिर क्या पढ़ी थी आप इंजीनियरिंग? बस ना यही लाइफ होती है, घूमो फिरो बच्चियों के साथ, इंजॉय, यूनिवर्सिटी में जगाओ और आगे बच्ची ना फंसाओ, फिर आप तो बहुत दुख हो रहा है। बहुत दुख हो रहा है। आपकी दास्तान बहुत दुख बहुत दुख हो रहा है। अच्छा मैंने आपसे पूछना चाहूँगा, आज आपको पता है कि 6 सितंबर है, यौम दिफा का दिन मनाया जाता है पाकिस्तान में, क्यों मनाया जाता है, क्या हुआ था? ये पाकिस्तान के हमारे जो फौजियों ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी थी 6 सितंबर को,
उनकी शहादत के मौके पे हम यौम दिफा मनाते हैं। अच्छा एक और सवाल आपसे, अगर आपको एक दिन के लिए पाकिस्तान का वजीर आजम बना दिया जाए आप क्या करेंगे? अभी मजा आएगा ना भिड़ो, आप हंसेंगे मुझे सारा दिन खुशी से हंसता रहेगा बच्चा कि मैं वजीर आजम बन गया, वजीर आजम बन गया बस। वैसे आपको बच्चियां मिली नहीं, ये ना सारी बच्चियां एक दिन में खराब करना नहीं नहीं आप बताएं क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, बस अपना कारोबार, मैं तो जो दिन यार कुछ नहीं करना। एक दिन आपको वजीर आजम बनाओगे फिर भी कारोबार? हाँ कारोबार, दिन के लिए आपको वजीर आजम बनाया जाएगा, उसके बाद आप आटा पीसोगे। इतना बच्चा दुखी है कि एक यूनिवर्सिटी में जो नहीं मिली, एक दिन ही उसके वजीर आजम बना दिया फिर भी आटा पे काम करेगा। बच्चियाँ क्यों, क्या बुरी लगती है? खराब बुरी लगती है। क्यों बुरी लगती? मज़ा नहीं आया। बच्चियाँ जो लड़की जो शौक होता है, हाँ पालना पड़ता है, कुत्ता है, कुत्ता है बच्ची रखना मतलब कुत्ता शौक है, कुत्ता शौक बच्ची रखना मतलब। हाँ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे मारो। अकबर जैसे मैंने सुना है कि वो तलाम दे आपके मुताबिक बच्चियां मतलब लड़कियां कहती हैं कि लड़के जो है ना बच्चियों को खराब करते हैं, आप कह रहे हैं कि बच्ची पालना ही कुत्ता है मतलब बच्चियां खराब, बच्चियां खराब करती हैं बच्चे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, बच्चे खराब नहीं करते। वो एक शेर है मेरे जहन में आ रहा है कि लड़की ने मतलब लड़के को कहा कि लड़के जो है ना लड़कियों को ख़राब करते हैं, तो उसने कहा मक्खन ख़राब नहीं होता मक्खियाँ ख़राब करती हैं, बच्चा ख़राब नहीं होता सोनी सोनी बच्चियाँ ख़राब करती हैं। अच्छा आपके मुताबिक आप मतलब अपना आटा पिसाई करेंगे वो? हाँ कारोबार सबसे बेस्ट, आपको कामयाब करे कारोबार करते रहें, कुछ यार करेंगे क्या कुछ सुनाएंगे? कुछ नहीं, नहीं नहीं बस दुखी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी तो नाज़रीन जैसा कि देखा आपने कि अगर वीडियो आपने पूरी देखी तो कमेंट्स में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। और इसके अलावा हमने मतलब जो वीडियो बनाई थी उसमें ये सवाल था कि अगर आपको एक दिन के लिए पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ की जो ऑडियंस थी आवाम थी उन्होंने बताया कि वो क्या क्या करेंगे। इसके अलावा आपने अगर आपको बना दिया जाए तो आपने क्या करना है, तो कमेंट से अपना फीडबैक लाजमी देना है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।